नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की ही, क्योंकि लगातार गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर जिस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग बैठकों का दौर किया जा रहा है। गुपकार अलायंस अब जो है वो आम जनता का रुझान भी अपनी तरफ करती हुई नजर आ रही है, जहां पर अलग अलग पार्टी के नेता जो है वो भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, और अब वो सोच विचार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को किस तरह से लुभाया जाए, क्योंकि अगली बैठक जम्मू संभाग में होने वाली है। इससे पहले कश्मीर में भी आपने देखा कि बैठकों का दौर किस तरह से शुरू किया गया। तो चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो हिलाल, आज आपने देखा कि किस तरह से आम जनता का रुझान जो है वो अपनी तरफ करने के लिए पार्टियां लगातार अपनी कवायद जो है वो झोंकती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि आम जनता का रुझान अपनी ओर करने के लिए क्या कुछ काम जो है वो करना पड़ सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब से 5 अगस्त का डिसीजन आया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल आवाजें कश्मीर के अंदर थी वो काफी साइलेंस थी, और ठीक तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाया था। लेकिन धीरे धीरे जब पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज किया गया तो उसके बाद एक स्पेस जरूर उन्हें मिला, और उस स्पेस का वो ठीक तरह से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो कश्मीर के अंदर लोगों की एस्पिरेशंस हैं या उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी तर्जमानी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिसका रिएक्शन हम देख रहे हैं कि मुल्क भर से आना अब शुरू हो गया है। महबूबा मुफ्ती की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडरान हैं, चाहे जम्मू कश्मीर लेवल पर या नेशनल लेवल पर भी हम देख रहे हैं, तो उसकी जानिब से उसका रिएक्शन जो है अब आने लगा है, और इससे ही कश्मीर के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर अब सियासी माहौल जो है वो बनने लगा है। लेकिन हिलाल, यहाँ बड़ी बात यह है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने भी विवादित बयान दिए हैं कि वो राजनीति में उतरना नहीं चाहती हैं, वो इलेक्शन में भाग नहीं लेंगी, झंडे को हाथ नहीं लगाएंगी जब तक जम्मू का झंडा नहीं बन सकता, जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं बनता है तब तक वो झंडे को हाथ नहीं लगाएंगी, तो जाहिर तौर पर अब आम जनता को वो अपनी तरफ कैसे बरगला सकती है, अपनी तरफ खींच सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक एस्पिरेशन ऐसी है, और इस सियासी मौकफ के साथ बहुत सारे लोगों का रुझान कश्मीर के अंदर है, और उनका मानना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज तक ये कहती आई है कि 370 जो कि मुल्क के आईन का हिस्सा था, जिस तरह से वो उसकी वायलेशन कर रहे थे और उसको खत्म करने की बात बार बार कहते आए हैं, उसी तरह से उन्हें भी ये हक है कि वो आज उस कानून को नहीं माने जो आज एग्जिस्टिंग कानून हिंदुस्तान की आईन में है। लेकिन हिलाल, आप मुझे यहाँ ये समझाइए कि आम जनता भी ये समझना चाहेगी कि आखिर पीडीपी अपना जो है वो कड़ा रुख इख्तियार करती हुई नजर आ रही है कि धारा 370 और 35 ए पर बात करेगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुपकार अलायंस के बीच में बैठी हुई है और प्रेसिडेंट के पद पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हैं, उन्होंने अपना कड़ा रुख जो है वो नहीं दिखाया है, एक स्टैंड उन्होंने नहीं दिखाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ धारा 370 और 35 ए को लेकर लड़ रहे हैं, पीडीपी वहां पर स्टैंड दिखा रही है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में जब हम महबूबा मुफ्ती का कंपैरिजन करते हैं तो एक थोड़ा सा जज्बात रखती हैं, और उसके साथ साथ इस तरह के बयान देने में बहुत पहले से ही उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रहा है। यानी 5 अगस्त साल 2019 से पहले ही जो उनकी एक रैली हुई थी जब पार्टी का योमी तासीस था, फाउंडेशन डे था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क की झंडी को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, नहीं लहरा सकता है अगर जम्मू कश्मीर के आर्टिकल के साथ इस तरह की एब्रोगेशन की कोई कोशिश की गई है, तो ठीक उसी पॉलिसी को आज भी अडॉप्ट की हुई है, और आइंदे दिनों में जो हमारे सोर्सेस से खबर मिल रही है कि और मौकफ उनका सख्त आने जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा सियासी माहौल तैयार करेगा जो आइंदा होने वाले इलेक्शन होंगे उस पर वो उन्हें वोट हासिल करने के लिए फायदा बख्शा साबित हो सकते हैं। यानी कि ये सारा काम जो है वो वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है, कुछ ऐसा? देखिए, वोट हासिल करना, या हालांकि महबूबा मुफ्ती ने खुद कहा कि वो पावर पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखती हैं जहां तक उनकी जात का ताल्लुक है, लेकिन पार्टी का मौकफ उन्होंने ये नहीं बताया अभी तक कि क्या वो पावर पॉलिटिक्स या एक्टिव पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगी कि नहीं, उस पर उन्होंने अभी खामोशी जाहिर की है। लेकिन ऐसे बयान से जिसमें लोगों को मखमसे में रखा जाता है, लोगों को उस पर अभी तक बात नहीं होती है और कहा जाता है कि पार्टी लीडरशिप के साथ बात की जाएगी, ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, और उस वक्त महबूबा मुफ्ती को माइनस करके या उमर अब्दुल्ला को माइनस करके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ सकती हैं। हालांकि डिसीजन अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लड़ सकती हैं, ताकि यानी कि पार्टी लड़ सकती है, उसमें महबूबा मुफ्ती भाग नहीं ले सकती है, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती ने खुद ही स्पष्ट किया है कि वो फिलहाल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तब तक
शमूलियत नहीं करेगी जब तक ना जम्मू कश्मीर को अपना झंडा मिलेगा अपना। लेकिन हिलाल वो पैठ बनाने की कोशिश तो कर रही हैं, जिस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है कि पीडीपी पार्टी अव्वल नंबर पर सामने आ जाए। बेशक उन्होंने अपने लिए कह दिया है कि वो उतरने वाली नहीं है चुनावी मैदान में, लेकिन अपने जो नेताओं को उतारने वाली है उनके लिए जमीन तैयार करती हुई नजर आ रही है महबूबा मुफ्ती। देखिए ऐसा लग रहा है कि शायद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी मजीद मजबूत बन सकती है। हालांकि अभी उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की और उसमें उन्होंने ये भी कंडीशन रखी है कि जो पॉलिटिकल अलायंस है जब तक ना वो कोई फाइनल डिसीजन लेगा तब तक वो अपनी राय नहीं रखेंगे, बल्कि पार्टी लेवल पर वो बातचीत करेंगे जितने भी सीनियर लीडरान हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो फाइनल डिसीजन होगा वो पीपल्स अलायंस ही लेगी और उसी को ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो आइंदा होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए थे हिलाल हंजूरी, जो हमें पूरी बातचीत समझा रहे थे कि किस तरह से पार्टियां जो है वो अपनी पूरी मेहनत झोंक रही हैं कि चुनावों में कैसे जनता के बीच में उतरना है, जनता का रुझान जो है वो अपनी तरफ खींचना है। क्योंकि जाहिर तौर पर अब अगर हम देखें कि बड़ी पार्टियां जो कि दो मेन बड़ी पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर पीडीपी है, और जाहिर तौर पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना जो बयान दिया है वो जुला बयान था। उन्होंने नहीं कहा है कि ज्यादा तौर पर कि धारा 370 या 35 को लेकर ही वो स्टैंड अपना रख रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। लेकिन अगर हम देखें कि पीडीपी पार्टी महबूबा मुफ्ती साफ तौर पर अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करती हुई नजर आई है कि धारा 370 और 35 को वापिस लाने के लिए वो काम करेंगी, और उसके साथ ही जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं आता तब तक वो भारत के झंडे को हाथ नहीं लगाएंगी। इस तरह से विवादित बयान देकर भी वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई है, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और बड़ा बयान भी दिया था कि वो इलेक्शन में नहीं जाने वाली है, यानी कि चुनावों में भाग नहीं लेने वाली है। लेकिन जो काम इस वक्त डिटेंशन के बाद वो कर रही हैं वो अपनी पार्टी के लिए एक जमीन तैयार करती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर आपने देखा कि हिलाल क्या कुछ कहते हुए नजर आए कि पीडीपी पार्टी एक कवायद चलाती हुई नजर आ रही है कि कैसे आपको वहां पर अपनी जमीन तैयार करनी है, अगर आपको अपने नेताओं को उतारना है तो उन्हें कैसे जीत हासिल होनी चाहिए, ये आगे की सोचकर पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें गुपकार अलायंस से बना दिया गया, पहले गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई और अब गुपकार अलायंस का जो रुझान है आम जनता का वो अपनी ओर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में आम जनता इसका क्या जवाब देती है, किस तरह से वो चुनावों में उतरे हुए नुमाइंदों को जिताकर सामने लाती है, क्योंकि जब वो जीत हासिल होती है पॉलिटिकल पार्टीज को वहीं से आप आम जनता को समझ सकते हैं कि क्योंकि आम जनता जनार्दन है और जो जनता चाहेगी वही चुनकर सामने आएगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से आपको दिखा देते हैं कि हमारे सहयोगी तजमुल हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से वो बता रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बार बार की जा रही है, लेकिन जो हमारे जवान है वो किस तरह से मुस्तैद है रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में इस साल लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर कमोबेश जम्मू कश्मीर के मुतद्दिद इलाकों में जो इन्फिल्ट्रेशन या जो एक बार फिर मिलिटेंटों को इस तरफ धकेलने की जो कोशिश है वो लगातार बॉर्डर्स पे जारी रही। रवा साल 2019-20 के अब तक के डाटा के मुताबिक अभी तक 2700 से जायद बार ऐसी बार कोशिश की गई जिसमें सीज फायर का उल्लंघन करके कहीं न कहीं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उछालने की भी कोशिशें जारी हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में फौज यानी सेना जो बॉर्डर पर तैनात है उनके मुताबिक ये कोई नई बात नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन हुई है। इस साल में इन्फिल्ट्रेशन कृष्णा घाटी सेक्टर से लेकर नवगाम सेक्टर, ऊडी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर और कई एक सेक्टर्स में लगातार इस साल इन्फिल्ट्रेटर्स करके कहीं न कहीं कई बार देखा गया कि फायरिंग भी हुई और बड़े बड़े मोटर्स का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो हैं दोनों मुल्कों के बीच में काफी तल्खियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक सीनियर फौजी ऑफिसर ने आज श्रीनगर में एक फंक्शन के साइडलाइंस में कहा कि इन्फिल्ट्रेशन कोई नई बात नहीं है, फौज किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सेना के जवान दिन रात न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लद्दाख कारगिल के ऊपरी इलाकों में चाइना पर भी नजर रखे हुए है। रवा साल 2020 में न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की सेना को चैलेंज मिलने बल्कि चाइना की तरफ से की बार कई हजार किलोमीटर अंदर आने की कोशिशें कई बार नाकाम भी फौज ने कर दी। बताया जाता है कि इस साल के अवाखिर में जब अक्टूबर और नवंबर का मौसमी खिजां खत्म हो जाएगा, बर्फबारी पड़ेगी, उससे कबल कोशिशें की जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा मैन पावर इस तरफ धकेला जाए
ताकि इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो पैदा शुदा सुरताल है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को जारी रखा जा सके। वहीं दूसरी तरफ जो इन बॉर्डर्स के नजदीक रिहायश पजीर लोग हैं उनकी तादाद बड़ी है और वो लोग काफी मुश्किल हालात में अपने जिंदगी के शब रोज गुजारते हैं। कई बार मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी की गई, कई बार यह भी जानने की कोशिश की गई कि अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए जाए, कई बार इनको यहां से एसडीएम की सरबराही वाली टीम ने कई एक जगहों पर नोटिस किया और शिफ्ट भी किया। उड़ी, गुरेज, कृष्णागाठी और बाकी इलाकों जिनमें रजौरी और नवगाम का सेक्टर भी शामिल है, रवासाल के दौरान फायरिंग का तबादला तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 बार जारी रहा। इसी बीच में सनसनीखेज खबर ये कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद मिलिटेंटों की बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है और भारी हथियारों से लैस मिलिटेंटों ने कई बार जम्मू कश्मीर में फौज और पुलिस के खिलाफ कई बार इनकाउंटर्स में भी हमने देखा और कई बार उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की और इनकाउंटर में भी कई एक केसेस तब्दील हुए। हालांकि इन्फिल्ट्रेशन गेट के बाद जम्मू कश्मीर में लोकल मिलिटेंसी का मैन पावर किस हद तक सेना जम्मू कश्मीर पुलिस कम कर पाई इसका डाटा हमारे पास है। न सिर्फ लोकल रिक्रूटमेंट्स का सिलसिला जारी रहा बल्कि बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन करके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक से भी कई बार हमने देखा कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद भारी हथियार लेकर मिलिटेंट इस तरफ आने में कामयाब हुए। फौज की माने तो इन तमाम सेक्टर्स पर नजर रखी गई है और किसी भी मुकाबला का करने के लिए फौज बिल्कुल तैयार है और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी जिससे कहें कि बॉर्डर पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखने वाली बात होगी, सर्दियां शुरू, कश्मीर में अब बर्फबारी तकरीबन तय है, वो हफ्ता लगे 15 दिन लगे लेकिन बॉर्डर्स पे तकरीबन हल्की सी बर्फबारी हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि फौज या सेना के जो जवान है किस तरह से अगला महीना इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो काफी टफ होगा इसको रोकने में कामयाब हो सकती है। तो आपने देखा कि तर्जुमुल का क्या कुछ कहना था, वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद भी हमारे जवान लगातार सतर्क हैं और वो अपनी मौजूदगी हमेशा यहां पर दिखाते हुए भी आए हैं क्योंकि अगर कोई भी यहां पर गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की जाती है उसमें हमारे जवान बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे कार्यवाही को अंजाम देना है। और उसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर ही उन्होंने अपनी नजरें नहीं गड़ाई है, लद्दाख के अंदर भी पैनी नजर हमारे सुरक्षा बलों ने गड़ाई है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल आज हमें मौसम के हवाले से पूरी खबर बता रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी दी है कि कश्मीर में आने वाले समय में किस तरह से मौसम जो है वो करवट बदल सकता है। इरफान की रिपोर्ट देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल की तरफ से वादी कश्मीर को लेकर खबर और खबर कह सकते हैं कि मौसम के हवाले से है। अगले 24 घंटे में वादी कश्मीर में आइसोलेटेड हवाओं के साथ साथ कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेकर कहीं ना कहीं असरार जो है वो दिखाई देंगे क्योंकि मौसम जो है अब ठंडा वादी कश्मीर में हो चुका है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी खबर है कि अगले 24 घंटे में वादी कश्मीर में हल्की हल्की बारिश या अपर रीचेस को लेकर बर्फबारी भी हो सकती है। फिलहाल ये भी हम कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे के साथ साथ अगले 14 दिन तक वादी कश्मीर में ड्राइनेस ही रहेगी। फिलहाल उसके बाद मौसम के साथ साथ मिजाज जरूर चेंज होगा मगर फिलहाल फ्रूट मालिकान के लिए यह भी खबर है कि उन्हें एक अच्छा खासा मौका भी मिल रहा है क्योंकि इस वक्त मेवे बागात काफी ज्यादा भरे हुए हैं ताकि वो अपना मेवा पूरी तरह से समेट सकें क्योंकि आने वाले दिनों में वादी कश्मीर में ठंड बढ़ेगी और उसके साथ साथ कुछ महीनों के बाद चिलाई कलान का भी सामना होगा जिसमें बर्फीली हवाओं के साथ वादी कश्मीर में बर्फीली चादरों का नजारा देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज, कश्मीर। तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से मौसम विभाग जो है वो चेतावनी देता हुआ नजर आया है कि भारी जो बर्फबारी है वो हो सकती है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर और साथ ही अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां पर मौसम जो है वो खुशगवार रहने वाला है और इस मौसम का 14 और 15 दिन तक असर रहेगा और ये 14 और 15 दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों के लिए काफी ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जो फ्रूट बेचने वाले लोग हैं, जो फल समेटने वाले लोग हैं, उनके लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद यहां मौसम है। तो जल्दी जल्दी से उन्हें अपना काम कर लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बारामूला और बारामूला के बोनियार इलाके के अंदर भी लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें वहां पर झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान है वहां पर लोग। इरशाद भट्ट आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं देखिए।
अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें, बारामूला से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पे जो बिमियार का इलाका है, यहाँ पे लोगों को जो है काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे हम आज यहाँ पे आए, यहाँ पे जो रोड है इसके साथ साथ ड्रेनेज है वो दरम बरम है। यहाँ के मुकामी लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और या ये जानने की कोशिश करेंगे जो बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ या सेकेंड हुआ, क्या उन बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो है इनके काम नहीं हुए। अगरचे ज़िला इंतजामिया की टीम यहाँ पर आई है, ज़िला इंतजामिया के जो ऑफिसर से वो यहाँ पे आए, इन लोगों के साथ जो है उस वक्त जो वादे किए गए क्या वो वादे पूरे नहीं हुए, आइए मजीद जानते हैं। जी अपना नाम बताएं उस और इस इलाके का नाम। जी मेरा नाम तौसीक अब्बासी है, ये बिमियार है, बिमियार का फेस है ये जो गांव है, यहाँ से बिमियार शुरू होता है। इवन के ये मॉडल टाउन होना चाहिए, मॉडल विलेज होना चाहिए था, उसको छोड़ते भी ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। हमें सबसे मेन जो यहाँ पे लाहौर जलम है प्रोजेक्ट, तो उसके होते हुए भी हमारा इतना बुरा हाल है, क्योंकि जो भी कॉरपोरेशन बनती है उसका सीएसआर 2% किसी भी प्रोजेक्ट को देना होता है वहाँ के लोकल्स को, लेकिन जब से ये प्रोजेक्ट बना है तब से आज तक 1% भी डेवलपमेंट इसने हमारे गांव पे नहीं की है। रुक चला जाता है तो यहाँ पे मतलब लास्ट ईयर भी एक इंसिडेंट हुआ था, तो दो मतलब नौजवान इस डैम में चले गए थे, तो उसके बावजूद भी फिर काफ़ी ज़्यादा हमने मतलब इस गांव ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया ताकि इस मतलब इस डैम का जो एरिया है इसको फेंसिंग की जाए, मतलब ये काफ़ी लंबा एरिया है, रिजर्व एयर तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर सर किसी ने नहीं सुनी, यस सर, तो किसी ने मतलब हमारी नहीं सुनी। तो आज भी मतलब आप देखिए, मतलब लास्ट टाइम कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एक बुजुर्ग की मौत हो गई, इस यहाँ पे एक हादसा हो गया, उसमें डूब गए वो, क्योंकि इसकी गहराई जो है 120 फीट गहराई है इसकी अप्रोक्सीमेटली। तो सर हमारी यही गवर्नमेंट से अपील है कि सबसे प्राइमरी अपील हमारी ये है कि ये जो है मतलब ये जो डैम का एरिया है यहाँ पे जल्द अज जल्द फेंसिंग लगाई जाए ताकि यहाँ पे कोई इंसिडेंट्स ना हो। यहाँ पे जो रोड है बिल्कुल खस्ताहाल हो चुका है, ड्रेनेज सिस्टम दरम बरम है, इसके साथ साथ बिजली का कोई निज़ाम ही नहीं है। अगरचे यहाँ पे जो रोड है तकरीबन 30 साल से ज़्यादा उर्सा हो चुका है, इस पर इसके ऊपर जो है मैगनमाइज नहीं किया गया। अगरचे पिछले दफ़ा जो बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, उसके बाद सेकेंड भी हुआ, थर्ड भी हुआ, उसमें जो है ज़िले इंतजामिया के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने लोगों के साथ जो वादे किए गए वो वादे जो है खोखले साबित हुए, वो वादे जो है पूरे नहीं किए गए, लोग जो है ज़िला इंतजामिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूँ, यहाँ पे जो है LGHP जो लोअर जेहलम पावर प्रोजेक्ट है उसकी जो नहर जाती है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर जो है फेंसिंग नहीं दी गई है। हालांकि अगरचे इस पे जो है फेंसिंग हो ताकि लोगों को जो मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो आपने देखा कि इरशाद का क्या कुछ कहना था, उनका साफ कहना है कि डैम के ऊपर भी फेंसिंग जो है वो नहीं लगाई गई है, किसी भी वक्त वहां पर हादसा हो सकता है, प्रशासन को चाहिए कि डैम के इर्द गिर्द फेंसिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर कोई हादसा हो जाता है तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा जो नुकसान है वो हो सकता है, तो इस पर हमें संज्ञान लेने की गौर करने की काफी जरूरत है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला राजौरी, और जिला राजौरी के अंदर भी बच्चों को खेलने को लेकर काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि वहां पर थन्ना मंडी इलाके की अगर हम बात करें तो ग्राउंड ना होने की वजह से पूरा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ आप योजनाएं चला रहे हैं कि खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया का पूरा लाभ जो है क्या वो युवाओं को मिल रहा है, आज जमशेद मलिक ने रिपोर्ट किया है, देखिए। कोविड-19 के चलने के बाद तमाम तालीमी इदारे बंद रहे, और इस तालीमी इदारे बंद रहने के बाद बच्चे किस तरह अपना वक्त गुजारते हैं, खास करके क्योंकि बच्चे छोटे से हैं, खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है इन बच्चों में। और इस वक्त हम खड़े हैं थाना मंडी के एक स्कूल में जहाँ इस वक्त बच्चे खेल रहे हैं, बड़ी छोटी सी कंजस्टेड सी जगह है जहाँ ये बच्चे खेल रहे हैं। इन बच्चों से बात करेंगे कि क्या परेशानियाँ इनको यहाँ आ रही हैं। बच्चे क्या नाम है आपका, खेल कौन से खेल खेलते हो? मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। हमें यहाँ पे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन के लिए हमें यहाँ पे कोई ग्राउंड प्रोवाइड नहीं है, हम खेलना चाहते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए। यहाँ पे बहुत से मिनिस्टर आ रहे हैं, बड़े लोगों ने बोला कि यहाँ पे कोई ग्राउंड बनाओ बच्चों के खेलने के लिए, तो हमें अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं हुआ ग्राउंड। बच्चे जिस तरह लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहे, किस तरह अपना वक्त गुजारते आप? जी अब ऑनलाइन क्लासेस होती थी, कोई सही सही नहीं बच्चा पढ़ सकता था, तो उसके लिए भी हमें कोई ग्राउंड इन्हें प्रोवाइड नहीं दिया खेलने के लिए। तो शाम को यहाँ जब खेलने आते हो तो किस तरह की मुश्किलें आती हैं आपको? हमें बहुत तरह की मुश्किलें आती हैं, पत्थर जगह जगह पे, मतलब ग्राउंड अलग टाइप का गंदा हुआ है पूरा ग्राउंड। और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ जो खेलने हैं? मेरे यहाँ पे सारे लोग देख सकते हो, उनको भी खेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये हमारे साथ नन्हे नन्हे कुछ बच्चे, एक और नन्ना बच्चा है हमारे साथ, इनसे जानेंगे। बच्चे
कितनी किल्लत आती है ग्राउंड ना होने की वजह से? सर मुझे तो बहुत किल्लत आती है। हमारे जो हमारे मेरे फ्रेंड्स हैं ये बोलते हैं हमें भी बैडमिंटन का कोर्ट चाहिए, हमें वॉलीबॉल का कोर्ट चाहिए, हमें बैट बॉल चाहिए। कोविड-19 के दौरान हमें तो ज़्यादातर हम घर में रहते और एक ऑनलाइन क्लासेस होती रही और ना हम कुछ सही से पढ़ पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस थानामंडी में तो सरकारी ज़मीन है जिसकी वजह से यहाँ पर खेलना और भी मुश्किल है। और यहाँ पर एक ये स्कूल है जिसमें हम खेलते हैं। बच्चे जिस तरह आपके पास यहाँ ग्राउंड नहीं है, क्या कभी आपकी तरफ से आपके बुजुर्गों की तरफ से इस ग्राउंड के लिए कोई डिमांड नहीं की गई? की गई जी, बहुत की गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर आए, बहुत सारे लोग आए। कभी तो यहाँ पे कभी शादी का अटेंड हो जाता है, हम तब भी नहीं खेल पाते। कभी यहाँ पे मीटिंग हो जाती है, फिर भी नहीं हम खेल पाते और हमें बहुत दिक्कत होती है खेलने में। ये थे हमारे साथ कुछ नन्हे नन्हे बच्चे जिनकी तरफ से ये बात आपने सुनी होगी कि कभी यहाँ शादी का कोई प्रोग्राम हो तब भी इनको खेलने का मौका नहीं मिलता, कोई मीटिंग हो तब भी खेलने का मौका नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात है कि जब स्कूल लगा हो तब भी इनको खेलने का मौका नहीं मिलता। बड़ी बात यह है कि थानामंडी एक ऐसी इलाका है जहाँ से वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर भी सामने आए, मगर उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया और आज भी यहाँ कोई भी ग्राउंड इन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ये एक सरकारी स्कूल है जिसका छोटा सा एक ग्राउंड है जिसके अंदर ये बच्चे शाम को अपना वक्त गुजारते हैं। तो आपने देखा कि जमशेद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरतेहाल जो है वो राजौरी जिले के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से दावे और वादे तो किए जाते हैं कि युवाओं के खेलने के लिए हर एक बंदोबस्त जो है वो किया गया है, क्योंकि खेलो इंडिया का काफी ज्यादा महत्व जो है वो हमारे युवाओं के लिए है। लेकिन जब उसका लाभ नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो प्रशासन के अंदर रहती है, सरकार के अंदर रहती है। इस पर गौर करना बहुत जरूरी है कि जो हमारे दूरदराज इलाके के लोग हैं, जो हमारे दूरदराज इलाके के अंदर खिलाड़ी हैं, उनका रुझान अगर खेलों की तरफ बढ़ाना है तो हमें उन्हें पूरी सुविधाएं देना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं देख लीजिए। मैं इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के साथ लगते लिंक रोड में मौजूद हूँ और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सांबा जिला में हर रविवार को अभी भी दुकानें पूरी तरह से बंद रहती है और ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन सांबा के दुकानदारों में भी बना हुआ है कि आखिर दुकानें खोले या नहीं खोले, क्योंकि जो नई गाइडलाइन जारी हुई थी अनलॉक फेज 5 की तो उसमें साफ तौर पर मेंशन किया था MHA ने कि जो भी दुकानें ऑरेंज जोन में आती हैं यानी ऑरेंज एरिया में जो भी दुकानें आएंगी उनका दुकानें खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक का है। इसको लेकर भी सांबा में काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन कुछ दिनों के लिए बना रहा, उसके बाद लोगों ने 7 बजे तक दुकानें खोलना शुरू भी कर दिया, लेकिन अभी रविवार को लेकर ये कन्फ्यूजन बना है कि वो दुकानें खोले या नहीं खोले। अगर दुकानदार दुकानें खोलते हैं तो प्रशासन का उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि आप लोग दुकानें बंद करिए। अगर दुकानें खोल के रखते हैं दुकानदार तो उनका कहना है कि हम दुकानें खोलेंगे क्योंकि जो UT का नया ऑर्डर है वो सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक का है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है सांबा जिला के दुकानदारों में। और मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि सांबा जिला में भी कई ऐसे एरियाज हैं यहाँ पर संडे को आज भी कई दुकानें खुली हैं कहीं बंद है, लेकिन सांबा का मैं सिनेरियो आपको बता दूं तो मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से आपको दुकानें आज बंद दिखेंगी। और एक चीज़ इसमें मैं ये भी अपडेट कर दूँ आपको कि जिस तरह से दशहरा का पर्व है आज, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ दुकानें आपको बंद दिखेंगी। किसी ने मिठाई खरीदनी है, किसी ने ज़रूरी सामान खरीदना है घर का, और आज इस बड़े त्यौहार पर भी सांबा ज़िला की दुकानें बंद हैं। बंद करने का कारण है कन्फ्यूज़न जो बना हुआ है दुकानदारों में और डरते हैं दुकानदार कि कहीं प्रशासन की कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन जिन्होंने इक्का दुक्का दुकानें खोली हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम दुकानें खोल के रखेंगे, यूटी का ऑर्डर है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक का। और इस मसले पर हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन वो डर के मारे कैमरे के ऊपर नहीं आना चाहते, उन्हें डर है कि अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया तो प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई कर देगा। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं और बड़गाम से आपको दिखा देते हैं कि अशरफ डार हमें क्या कुछ दिखा रहे हैं, क्योंकि हर दिन हमारे संवाददाता जो है वो ग्राउंड जीरो पर डटे रहते हैं। आज अशरफ ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं देख लीजिए।
बात इलेक्शन की करते हैं, आने वाला जब डीडीसी इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, मगर अगर हम बात करें जो इससे पहले जो बीडीसी बने थे या सरपंच बने थे या पंच एसोसिएशन बने थे या यूएलबी के जो इलेक्शन हुए थे, अब जो उनकी जो एसोसिएशन है, चाहे वो लोकल बॉडीज पंच एसोसिएशन है या पंचायत कॉन्फ्रेंस है या और भी कुछ भी जो कॉन्फ्रेंस थे, वो अब इकट्ठा हो रहे हैं आने वाले इलेक्शन में। उनका ये कहना है कि हम इकट्ठे लड़ेंगे, हम एक फ्रेम एक बनाएंगे, सब जो कि कमिटीज है या जो भी जो एसोसिएशन है वो मिलकर एक आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था कि आने वाले इलेक्शन में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जितने भी चाहे जम्मू कश्मीर की एक बात करें, जहां जहां पर भी इलेक्शन होगा वहां पर वो अपने कैंडिडेट्स उठाएंगे और कोशिश ये करेंगे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो जीत जाए और डीडीसी में वो हमारे मेम्बर जो है कामयाब हो जाए। ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि वोट्स पड़ेंगे इनके जो कैंडिडेट्स उठाएंगे उनके क्या वोट्स पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएशन है वो इकट्ठा हो रही है और आने वाले इलेक्शन की तैयारियां हो रही है। आज बड़गाम में इसी सिलसिले में एक मीटिंग हुई जिसमें चाहे वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स हो या जो यूएलबीज होते हैं या हम पंचायत कॉन्फ्रेंस की बात करें, सब मिलकर यहाँ पर आज एक कमेटी फ्रेम करेंगे जो आने वाले इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ठीक है, 24/7 के लिए बड़गाम से कैमरामैन जहूर के साथ डार अशरफ। चलिए अब आपको कठुआ ले चलते हैं और कठुआ में भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर दशहरा का त्यौहार जो है वो मनाया गया है, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है और दूसरी तरफ दशहरा का त्यौहार मनाने की कोशिश भी की गई। क्या पूरी रिपोर्ट है सरबजीत हमें दे रहे हैं, देखिए। कोविड 19 के चलते जिला प्रशासन की ओर से कई तरह की गाइडलाइंस और नॉर्म्स जो है जारी किए गए हैं कि कोविड के चलते किस तरह से आप लोग त्यौहारों की अगर बात करें तो इस बार दशहरे का त्यौहार भी फीका ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से इस बार दशहरे का त्यौहार बनाने के लिए परमिशन नहीं जारी की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिला कठुआ के जो राम नाटक कमेटी के सदस्य हैं कि इस बार किस तरह से वो लोग दशहरे का त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ ये खास त्यौहार जहाँ पर मनाया जाता था, इस बार इस तरह का हर्ष जो है वो यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। बड़े कम लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सिर्फ शास्त्र ही किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े पुतले जो हैं कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण के यहाँ पर जलाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पुतला इस बार जलाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ कमेटी के सदस्य। सर, इस बार क्यों इतनी कम यहाँ पर रौनक है त्यौहार को लेकर? हर साल की तरह हम ये नवरात्रों का त्यौहार मनाते हैं हर साल, और इस बार भी हमने नवरात्रों का त्यौहार मनाया है, परंतु जैसे प्रशासन से हमें गाइडलाइंस मिली थी कि वो हमने पूरी फॉलो की, यहाँ गैदरिंग इतनी ज़्यादा नहीं हमने होने दी है। दूसरा, पहले जब हम नवरात्रे करते थे तो हमारी यहाँ पे बाउंड्री हुआ करती थी, साइड साइड पे पंडाल बनते थे, पंडाल के अंदर हमारी चेयर्स लगती थी, ऊपर टेंट होता था, पर इस बार पूरे खुले मैदान में हमने अपना नाटक ये पेश किया है लोगों के सामने। और जैसे दशहरे के लिए आपको बता दूं कि हर साल हमारा दशहरा जो होता था बड़े धूमधाम से हम यहाँ मनाते थे, इसी मैदान के बीच में रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के युद्ध हुआ करते थे, परंतु इस साल ये कोविड के चलते हुए हमारी टीम ने और प्रशासन से भी हमें इतनी अनुमति नहीं थी दशहरे के लिए, तो हमने एक शस्त्र जो है कि शास्त्र करना है हमने कि हर साल हम यहाँ पुतले जलाते थे, तो इस साल भी हमने एक ही पुतला रखा है रावण जी का, जिसे हमारे ही कमेटी के कोई 30-40 मेंबर इसको जलाएंगे और दशहरे का पर्व मनाएंगे। हमारी ये क्लब जो है ये राम नाटक सभा कठुआ, ये लगभग पिछले आप जान लीजिए कि 1962 से यहाँ पे ये रामलीला होती आ रही है, तो वही प्रथा और वही रीत को हमने आज भी बरकरार रखा हुआ है। और इस समय जो आपदा यहाँ चल रही है हमारे देश में और पूरी दुनिया में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरी गाइडलाइंस का फॉलो करने के पूरा प्रयास किया था, और इस साल भी हम दशहरा बड़े ही जो आप समझ लीजिए कि जो गाइडलाइंस आएगी उन्हीं को ध्यान रखते हुए हम कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि जो आपदा इस पूरे विश्व में आज फैली हुई है वो इस दशहरे के साथ खत्म हो जाए। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये देखा, राम नाटक कमेटी कठुआ के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए थे और यहाँ पर आपको बता दें कि जिस हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर रावण दहन किया जाता है, इस बार कोविड के चलते वो हर्षोल्लास यहाँ पर नहीं देखा गया है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह। चलिए उसके साथ ही आपको रुख करा देते हैं जम्मू का, क्योंकि जम्मू शहर के अंदर भी आज दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस बार दशहरा का त्यौहार नहीं मनाया गया है, क्योंकि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी जानकारी आपके सामने साझा की जा रही है। लेकिन जसलीन कौर हमारी संवाददाता लगातार ग्राउंड पर डटी हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रही है, देख लीजिए। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है दशहरा।
इस दिन रावण का वध कर ये संदेश दिया जाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पर अच्छाई के सामने टिक नहीं पाती। आप सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते उस तरह की रौनक तो बाजारों में नहीं देखी जा रही है, पर फिर भी सभी लोग अपने घर से ही जो है दशहरे का पर्व मना रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं बाजारों में और देखने की कोशिश करेंगे क्या पहली जैसी रौनक क्या नजर आ रही है। जम्मू की गांधीनगर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर दशहरे के पर्व में हमेशा रौनक देखने को मिलती थी, पर आज अगर बात करें तो दुकानें भी खाली नजर आ रही हैं। वहीं एक लवली शॉप है मिठाई की, तो यहाँ से शॉपकीपर से भी जाने की कोशिश करते कि पहले जिस तरह से रौनक रहती थी तो क्या इस दशहरे पर्व में क्या उतनी रौनक है। मैम, इस बारी दशहरा तो वैसे भी दशहरा ग्राउंड में लगता था, इस बारी वो कैंसिल कर दिया है, ठीक है, और काम तो 1% नहीं है अभी। तो फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।